वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अली भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह शुक्र है। वो आपकी कॉल आ रही थी, मैं उस वक्त मैं ऑफिस की तैयारी में मशगूल था, अच्छा इसलिए मैं ठीक फोन नहीं अटेंड कर सका। तो ठीक है अली भाई। हुक्म, खैरियत बस अली भाई, थी? आपकी वो जो जो टेम्परेरी मैरिज मुद्दा के मुताबिक जो गुफ्तगू थी ना, वो बहुत से लोगों तक पहुंची है, जी, तो मेरे थ्रू ज़्यादा ईमेल वगैरह के थ्रू पहुंची है, क्योंकि अभी तक आप उस पर ग्रुप पे या फेसबुक पे तो नहीं चढ़ी, वरना तो लाखों करोड़ों लोग देख लेते। तो लेकिन ये है कि अभी तक अच्छा। कोई नेगेटिव फीडबैक उसके बारे में आया नहीं है, तो या और असल तो में मैंने तो ज़्यादा कैजुअल गुफ्तगू की थी ना, अगर वो कोई प्रॉपरली मैं टॉपिक बना के जब डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, अहदीस के जी नंबर दूंगा, पूरे चैप्टर दूंगा, फिर ठीक है। मैं सारा पॉइंट ऑफ व्यू, फिर अच्छा जो एक उलमा का है। एक सवाल अली भाई, बहुत लोगों की तरफ से हो रहा है, ज्यादा अहले तशय्यो मुख्तलिफ फिक्र की तरफ से, या जो अलामा जावेद अहमद गामदी साहब से इंस्पायर्ड लोग हैं, या उनके जो साथी हैं, या फिर जो क्लियर कट जो परवेजी फिक्र के लोग हैं, उनकी तरफ से ये सवाल अक्सर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ सवाल भी किसी हद तक वैलिड है, और बाद हमारे कुछ ऐसे दोस्त के जो है सेल्फी टाइप भी हैं, लेकिन वो ज़रा आज़ाद ख्याल हो गया, तो उनकी तरफ से सवाल उठ रहा है कि जो बुखारी और मुस्लिम है शरीफ, इनके जो ऐसे रावी के जो जिन मौकिकीन इस्माउ रिजाल को आप भी उजत समझते हैं, जिनसे इस्तदलाल पेश करते हैं कि जी शेख जुबैर अली जई साहब मरहूम ने कह दिया, या शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने कह दिया, तो ये जनाब इन्हीं के हवाले से कह दिया कि जनाब फलां 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 ने सही कहा, फलां 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 ने ज़ईफ़ कहा, तो इसलिए ये रवायत सही है या ज़ईफ़ है। तो जब वही बुखारी और मुस्लिम के जो रावी हैं उन पर शदीद जरा करते हैं, हत्ता कि उनके अकीदों तक को चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर बुखारी मुस्लिम के इसनाद को क्यों नहीं आप चेक करते, इसकी क्या रीज़न है? नहीं, कौन जरा कर रहे हैं? सर मुझे यानी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि लोग कहते हैं जी कि ये जो बुखारी और मुस्लिम के जो रावी हैं ना, इन ऐसे बहुत से रावी हैं बुखारी और मुस्लिम के, कि जिनके अकीदों तक को भी जो है जो अजीम शान अपना ये मुहद्दिसीन गुजरे हैं, असमाउ रिजाल के इमाम गुजरे हैं, उन्होंने चैलेंज किया है। हत्ता के बाद लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इन इन तक को भी लोगों ने चैलेंज किया है, ये ठीक है, वो असमाउ किसी रिजाल के दलील इमामों से ने। नहीं, असमाउल रिजाल के हवाले से अगर किसी रावी के ऊपर कोई बदअकीदगी की तोहमत है या इस तरह की इश्यूज है, इसकी वजह से हदीस की सनद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हदीस की सनद के सही होने के लिए रावी का सदूक होना, यानी सच्चा होना, ठीक है और प्लस उसका हाफजा सही होना, ये दो चीजें रिक्वायरमेंट है। बाकी उसका किरदार क्या है, उसके अकायद क्या है, वो सानवी हैसियत रखती है। क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना लिया जाए तो ठीक है हजरत माविया रजी अल्लाह तआला हो, और हजरत अमर इब्ने आस, हजरत मुगीरे इब्ने शोबा, और इन तीनों से बढ़ के जो बुसर बिन अबी अरफा थे, जिनके ठीक है। बारे में तो इब्न हजर अस्कलानी जो है वो नहीं इतने ये सख्त कौन कमेंट लिखते शख्सियत हैं, हैं? ये भी सहाबी हैं। नहीं ये इनका क्या, इनकी कोई मालूमात नहीं है सच खास। हाँ, बुसर बिन अबी अरदा बड़े मशहूर आदमी हैं। इन्होंने हजरत माविया के हुक्म के ऊपर हजरत अली के इलाकों में बुस के कत्लेआम किया था, सहाबा का और सहाबियात का। और इब्न हजर अस्कलानी भी जो है वो अपनी इस्माउल रिजाल की किताबों में इनका जो जिक्र जिस तरीके से करते हैं, और इमाम ज़ाहबी भी, वो तो कहते हैं कि ये बस सहाबी कलमा पढ़ने की हद तक थे, बाकी इनके किरदार में कोई सहाबियत नहीं थी। लेकिन अच्छा उनकी अहादीस भी बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। तो अगर ये फार्मूला बना लिया जाएगा कि किसके किरदार या उसके अकीदे कैसे हैं, ये बुनियाद बना ली जाए अहादीस ये रिजेक्ट करने की, एक्सेप्ट करने की, तो जी अगर उसके अकीदे वो कुफर में ना हो, ठीक है इतना ना अहले बिदत है, अहले बिदत से तो रवायतें ली गई हैं, वरना तो फिर अगर यही फार्मूला बनाया जाएगा फिर तो सिर्फ बात ताबईन और तबा ताबईन तक तो नहीं रुकेगी ना, फिर तो सहाबा तक भी बात जाएगी। इसीलिए तो ये एक बीच में एक चीज एस्टेब्लिश की गई कि सहाबा जो है सारे के सारे अदूल हैं, इस एतबार से नहीं कि वो मतलब उनका किरदार जो है वो 100% मासूमाना है, बल्कि ये कि रवायत हदीस में एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से मुहद्दिसीन के यहाँ रवायत हदीस में ऐसे लोग एक्सेप्टेबल हैं जो सच्चे लोग हैं, चाहे वो अपने बिदत की तरफ बुलाने वाले भी हों। अब अच्छा देखे ना बुलाने वाले बुखारी हो तब मुस्लिम भी वो के, जो है एक्सेप्टेबल है। जी, एक्सेप्टेबल है। इनसे पूछें क्या बुखारी मुस्लिम के रावियों में राफदी और नासबी लोग मौजूद नहीं है? तो ये तो वो भी एतराज हो रहा है मौजूद ना, वो कहते हैं कि जब मौजूद है तो उनसे क्यों रवायतें लेते हैं, जब उनकी बिदत की तरफ दावत देने वाली भी हैं। हाँ, तो हम इनसे ये पूछते हैं कि जब जो नासबी हैं वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम की शान में जो इमाम जोहरी की रवायतें हैं वो ले रहे होते हैं,
और जब वो मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं हज़रत ऋषि है, तो दो नंबरी तो इन्होंने खुद की हुई है ना, तो फिर तो ये भी करें ना कि हज़रत अबू बकर की शान में जो इमाम ज़ोहरी रवायतें करते हैं, हज़रत उमर की शान में, उनको भी रिजेक्ट करें, वहाँ वो ज़ोहरी सुन्नी हो जाता है, और जो जब हज़रत अली की शान की बारी बात आती है तो वो शिया बन जाता है। अच्छा दूसरा इन्होंने मुझे मुनाफिकाना रविश इख्तियार ठीक की है हुई है ठीक ना, मुहद्दिसीन तो बड़े मुखलिस लोग थे, है इमाम बुखारी या इमाम मुस्लिम है, उन्होंने ये देखा है कि जो रावी हैं, शेख जुबैर साहब ने पूरा मजमून लिखा है इसके ऊपर कि बुखारी के रावी कुछ शिया भी थे, और उसमें शिया में ऐसे भी थे जो गाली इस एतबार से थे, शिया मस्जिदों के इमाम आइम्मा भी थे। तो अच्छा हाँ जी बिल्कुल, ये शेख जुबैर साहब का हदीस वाले में मजमून छपा हुआ है, और मेरा ख्याल है तौज़ीहुल अहकाम में भी मौजूद है। तो नहीं, अगर ये एक सब गाली शिया रावजी हो और हजरत अली की फजीलत में या खुलफाए राशिदीन के खिलाफ रवायत जारी हो, फिर भी एक्सेप्ट करेंगे उसको? जी हाँ, अगर उससे झूठ बोलना साबित मतलब हो जाता है फिर तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर वो सदूक है, मिसाल के तौर पे दुनिया में आप इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में भी देख लें कितने गोरे अंपायर हैं जो ईमानदार मशहूर हैं, ठीक है तो हम सिर्फ इस वजह से उनकी एम्पायरिंग छोड़ देंगे कि वो जो है वो क्रिश्चियन है या वो जो है एथीस्ट है, ये एक अलग से चीज है। किसी शख्स का सच्चा होना, सदूक होना और चीज है। और अच्छा इसको छोड़ दें, मरवान बिन हकम उसका तो किरदार बुखारी मुस्लिम खुद नकल कर रहे हैं कि वो मतलब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को खत्म करके बिदत जारी कर रहा है, ठीक है ठीक है जी, और सहाबा पे लानत करवाता है। मरवान का करेक्टर मैंने बतरा थी, इसमें नहीं लिखा क्या बुखारी मुस्लिम के हवाले से, ठीक है उसने ईद का खुतबा जो है वो मतलब तकरीर जो है वो नमाज से पहले शुरू करवा दी, और जी उसने जी आगे से अबू सईद खुदरी को कहा कि वो तरीके खत्म हो चुके हैं, वो मतरूक हो चुके हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत का इतना मजाक उसने उड़ाया है, तो वो तो शख्स तो फिर मुसलमान भी नहीं रहता हमारी डेफिनेशन में। तो अगर हम तो लेकिन हम कहते हैं कि अहले बिदत है उससे भी इमाम बुखारी ने लिया, तो फिर सिर्फ ये हदीसें तो फारिग, मरवान की भी रिवायत करते हैं, नहीं, अगर फिर हम फारग ये कर दे कहते तो क्या हर्ज हैं है? मतलब हर्ज क्या है इसको फारग करने में? ऐसे इसको रावियों को, ऐसे रावियों से अगर जान छुड़ाई जाए तो क्या हर्ज है? हर जी है कि या मतलब जैसे एक कारी अनीब डार अगर साहब कहते हैं कि जो रिवायात बजैर यानी ऐसी हैं कि उनका मुसलमानों को दिफा करना पड़ता है, उनसे क्यों नहीं जान छुड़ाई जाती? ये क्या कि ये हम कुरान कहते के हैं मुखालफ है? जी 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 ठीक है बिल्कुल सही है, हम ये कहते हैं कि जो रवायतें अकल के खिलाफ हैं उनको अगर रिजेक्ट किया जाता है तो यही लोग कुरान की उन आयात को क्यों नहीं रिजेक्ट करते हैं जो अकल के खिलाफ है, उनका दिफा क्यों करते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई मिसाल कुरान की से आयत तो है ही नहीं ना ऐसी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने डॉक्ट्राइन और नैरेटिव सेट किया है अनीस चार साहब ने, वो उसमें मैं कई मिसालें दे सकता हूँ कि मतलब जो ये इनके आपका मिजाज। मौकिफ नहीं है, ये आप अनीफ साहब को इल्जामी जवाब दे रहे हैं। जी, मैं उनसे इल्जामी तौर पर मैं उनकी ठीक बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो मुझे ठीक इख्तलाफ राय है वो अपनी जगह। है मिसाल के तौर पर हजरत यही अलैहिस्सलाम का जो वाकया आता है कुरान पाक में उनकी पैदाइश का, ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आके बिशारत दे रहा है उनको, पहले वो दुआ करते हैं कि मैं मेरी बीवी बांझ जाए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसके बावजूद मुझे औलाद दे। जब फरिश्ता आके बिशारत देता है औलाद की, फिर वो कहते हैं मेरी औलाद कैसे होगी? फरिश्ता कहता है कि क्या अल्लाह ने तुम्हें इससे पहले पैदा नहीं किया, तुम कोई भी शय नहीं थे? तो फिर वो ठीक कहते है हैं मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर करें, उन्होंने कहा 3 दिन तक तुम बोल नहीं सकोगे सिवाय इशारों के। अल्लाह का पैगंबर ये कैसे हो सकता है? उसको फरिश्ता आके बिशारत दे रहा है दुआ के बाद, फिर भी वो शक कर रहा है अल्लाह की बिशारत में। अगर अकलन देखा जाए तो ये वाकई एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कुरान में आए हम इसकी तावीर करते हैं। नहीं, वो मतलब अकलन तो वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है वो इंसान थे, या इंसानी जैसे हजरत इब्राहिम कमजोरियां अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि मुझे कोई निशानी दिखा दें, किंतु अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया। हाँ अल्लाह ताला को। हाँ इस तरह के कई वाकयात हैं कुरान पाक में। इस तरह दो कव्वे लड़े हैं, वो जो सूरह मायदा में आता है, एक कव्वे ने दूसरे को मार के उसको दफना दिया, काबिल और आबिल के कॉन्टेस्ट। तो ये कव्वे कहाँ पे लड़ते हैं और कहाँ कव्वे कब्रे बनाते हैं? अगर इस तरह अकल के ऊपर परखना शुरू कर दें, इस तरीके से हम तख्त बिल्कीस का जो वाकया कुरान में आता है ठीक है उसमें ये भी आता है कि बिल्कीस जब वो अपने तख्त पे दाखिल होती है तो वो अपने जो है वो तहमत ऊपर कर लेती है, तो उसकी पिंडलियां जो है वो जाहिर हो जाती है। अब एक औरत की पिंडलियों का जिक्र कुरान के अंदर आना और उसका कहना कि उसकी पिंडलियां जाहिर हो गई, क्या ये कुरान पाक का जो हया का मिजाज है उसमें फिटिंग बैठता है? ये सारे अकली दलाइल या अगर अगर रखना इसे शुरू कोई कर बंदा दें ये नौज बिल्ला दलील पकड़ ले कि जी ये तो जायज है। जी। और दूसरा फिर हजरत ज़ैद इब्न अरसा का जो मसला है वो तो बहुत क्रिटिकल मसला है, नबी अलैहिस्सलाम का उनकी यानी मुतल्लिका के साथ शादी करना, ये जी वाक्य अगर बुखारी में आया होता तो ये कहते देखो नबी को
करेक्टर को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक वाकया झाड़ के बुखारी में दाखिल कर दिया। अब वो तो कुरान में आया वजाद इब्न अरदा की बीवी वाला, उससे कैसे ये जांच खाएंगे। तो इस किस्म के कई वाकयात हैं कुरान पाक के अंदर। अगर हम उन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का भी सलामुल्लाह अलैहा का, मरियम को फरिश्ता आके बिशारत दे रहा है कि मैं तुम्हें एक लड़के की बिशारत देता हूँ, उसके बाद जब वो उनको यानी हमला हो जाती है तो वो कहती है कि मैं मर के मट्टी हो जाती इससे पहले मेरे साथ ये मामला ना होता। हालांकि फरिश्ता पहले कह चुका है कि इसको अल्लाह तआला निशानी बनाने वाला है, तुझे तो अल्लाह ने बड़ा एजाज बख्शा है, तो फिर मरियम को क्या अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं था? उसके बाद वो क्यों कह रही है मैं मर के मट्टी हो जाती, मैंने मुझे कोई आगे बिशारत देना फरिश्ता, मैं तो कभी ना कहूँ कि अल्लाह मैं मर के मट्टी हो जाऊँ, मैं कहूँगा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे जो है वो इतने बड़े काम के लिए चूज किया। लेकिन वो बशरी उन सारे वाकयात की तवील करेंगे बशरी तकाजे बशरी बशरी, लेकिन यही वाकयात अगर बुखारी मुस्लिम में होते हैं ना तो कारी नहीं डरता, बल्कि पूरी पार्टी जो है ना वो इसका इतना मजाक उड़ाती। और अगर फिजर इस्लाम का जो बच्चे की गर्दन मोड़ने वाला वाकया है उसका भी ये लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत अजीब है ना, लेकिन हम उसकी तवील करके उसे मसले तकदीर से रिलेट करते हैं। ठीक है, ये कुरान के वाकयात की तवीलात करते हैं, अहदीस में वाकयात आते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि कुरान पाक में उससे ज्यादा वर्स्ट वाकयात हैं जो इनकी डॉक्ट्राइन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम कहते हैं अगर आपने अकल कोई दलील बनाना है तो फिर सबको एक ही लाठी के हाथ ना। अच्छा अली भाई मुझे ये बताएं, अभी एक और चीज़ और क्लियर हो जाए, अब आपका तो ये नहीं है ना, बाकी तो लुमा जो है ना वो तो ये बात करते हैं कि हमारा फलाम मसलक से बाकायदा ताल्लुक है, मदरसे से बाकायदा पढ़े हैं, फलां से एफिलेटेड हैं, और दूसरे सारों को हम काफिर समझते हैं, नहीं तो गुमराह तो समझते हैं। आप तो दावा ये करते हैं कि जी मैं तो सारों की दलील सुनता हूँ। अब सवाल ये कोई शिया भाई हमारे ये सवाल उठा सकता है, कोई जैदी उठा सकता है, या इवन के कोई ये जो बाजी है वो उठा सकते हैं कि यार हम बुखारी मुस्लिम को क्यों इज्जत माने इंजीनियर साहब के कहने पे, या इंजीनियर साहब क्यों नहीं हमारी किताबों को इज्जत मानते, तो फिर कैसे बात कैसे चलेगी? नहीं बिल्कुल सही है बात आपकी, हम फिलहाल तो एक उम्मत की मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं ना, 80% तो इस वक्त अहले सुन्नत है ना जी उम्मत में। हमने भी अपनी वेबसाइट का नाम ahlesunnatpak.com इसीलिए रखा हुआ, यानी उम्मत की मेन स्ट्रीम को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, रह गए बाजी हैं जो खवारिज हैं, वो तो अपने आप को खवारिज नहीं कहते लेकिन खवारिज की बीड़ी भी शक्ल है, हजरत उस्मान पे भी तान करते हैं, हजरत अली पे भी तान करते हैं, ये उम्मान सारा बाजियों का ही है। ठीक है, इसके अलावा इतनाशरी है, इतनाशरी भी उसमें भी जो कुछ राफजी टाइप है कुछ ही हैं, और दूसरी तरफ जो जैदिया हैं जैदिया के अकायद तो काफी हद तक बेहतर है पाकिस्तान से। तो इन लोगों को हम कम कहते हैं कि आप बुखारी मुस्लिम को माने, हम पहले सुन्नियों का तो मसला तो हल करें ना, सुन्नी जिन जो किताबें माने हुए हैं वो तो पहले नहीं, जो शेख जुबैर अली ज़ेही रहमतुल्लाह अलैह थे ना मुद्दसे आज़म पाकिस्तान, उन्होंने तो एक रिसाले में शायद ये बात लिखी थी अगर मैं भूल नहीं रहा कि जी ये जो इनकी जो कुतुब है ना, ये जो उनके नजदीक जो अहल बिदत फिरके हैं ना, इनकी कुतुब का इंतसाब ही साबित नहीं है, इनके जो यानी लिखने वाले हैं ना वो ही सदूक नहीं है। तो इस तरह अगर बात हो तो फिर आप क्या समझते हैं बात कोई आगे चलेगी? क्योंकि मुफ्ती साहब से तो कोई बात नहीं चलेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुखारी को नहीं मानते, शेख जुबैर साहब की इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, उनकी मैं इज्जत करता हूँ, मेरे वो मुर्शिद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये जो मसला है ना जी, इस तरीके से अगर जरा करनी शुरू कर दी जाए तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। तो उसमें मेरा ख्याल है हमें ये देखना चाहिए कि ये रविश तो खुद जो मुखालफीन रहे हैं अहले तशय्यु के उनकी भी रही नहीं रही है, इवन इमाम इब्न तैमिया जैसी शख्सियत जो है वो मिनहाज सुन्ना में बाकी किताबों के अंदर जब शिया के मामला लेके चलते हैं तो वो शिया की रवायतों का भी एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि यार ये जो रावी है ये आपके नज़दीक भी सही नहीं है, और अगर उनकी कोई रवायत सही होती है जो उनके उसूल मुहद्दिसीन पे होती है तो उसको सही समझते हुए लेते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं कि जी इस रवायत का ये मतलब नहीं है, वो तो ये फ़र्क नहीं करते कि ये आपकी रवायत हम मानते नहीं है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें जो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट में जो कुरान में है ना कुल या अहलुल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, इसके तहत हमें जो है वो कुरान पाक के ऊपर दावा देनी चाहिए, यानी गदीर कुम पे उम्मत को जमा करें कि अहले बैत का एहतराम करें और जो कुरान पाक के अकायद हैं उन अकायद की छलनी से गुजारा जाए अहले तशय्यो को भी और अहले सुन्नत को भी। तो ये जो अकीदा इमामत जो अहले तशय्यो ने खड़ा करके कितना बड़ा फितना खड़ा कर दिया है इसकी सारी कली खुल जाएगी कुरान के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि शिया खुद मानते हैं ना उसूल काफी में है ना ये रवायत कि जी कोई रवायत कुरान के मुकाबले में हम एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे, नहीं करें। तो फिर कुरान को हम हमारी कॉमन किताब तो फिर कुरान है ना, मैं तो बार बार उम्मत को जोड़ रहा हूँ कि कुरान के ऊपर जोड़े, ये जो मैं बुखारी मुस्लिम पे उम्मत को जोड़ता हूँ ये सिर्फ सुन्नी जितने हैं ना या उनके ऑफशोर्स हैं अनफी शाफी मालकी हम मैं इनकी बात करता हूँ, जब मैं उम्मत लेवल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ कुरान को पे जोड़ने की बात। अच्छा अली भाई एक चीज़ और आपसे क्लियर कर दूँ, ये जो बुखारी और मुस्लिम है इसके मुतलिक मेरी मालूमात जहाँ तक है मुफ्ती साग साहब का भी यही था और जुबैल जई मदरसा आजम का भी यही था और आपका भी गलबन यही है कि ये 100% ऑथेंटिक नहीं है, आप भी ये मानते हैं ना, तो फिर जो रवायत पेश करते हैं उनकी सनद क्यों नहीं चेक करते आप?
नहीं, हाँ, मैंने तो कभी नहीं कहा कि बुखारी मुस्लिम 100% ऑथेंटिक नहीं है। नहीं, हमारा उसके अंदर दावा ये कोई मुझे है पता कि कि जो मरफूड़ रवायात है वो सही है। जी, तो सबका यही है। तो शाहबलुल्लाह देलवी ने नहीं, भी फिर उसको आप जो जितना रवायत पढ़ते हैं टाइटल, वो कैसे पता चलेगा अभी आया ये मरफू है ये कौन सी है? नहीं वो तो सनद से पता चल जाता ना मेरे भाई, जो बेसनद अकवाल होते हैं उनकी तो सनद नहीं ना इमाम अच्छा, वो बुखारी आप ने नहीं लिखी पढ़ते? होती। नहीं, वो क्यों पढ़ना है हमने? वो मैं इंशाल्लाह इस पे भी एक लेक्चर दूंगा, बुखारी की जो बेसनद रवायतें हैं, अच्छा जैसे ये अबू लहाब की लोंडी वाला वाक्य है, वो उसने हुजूर की पैदाइश की खुशी में जात किया, बेसनद वाक्य है। इस तरीके से जो बुखारी में लिखा हुआ है कि हजरत ईसा मर चुके हैं, ये बेसनद है, ठीक है। इस तरीके से और जो वाकयात हैं कुछ इस तरह के, जो इमाम बुखारी ने चैप्टर्स की हेडिंग में बातें लिख ली हैं, उनकी इसनाद मौजूद नहीं है, बाज की मिल जाती हैं बाज की नहीं मिलती हैं, तो ठीक वो है, हम तो उनको रवायतों को नहीं मानते। मुतसिल जो है रवायतें हैं जिनकी पूरी पूरी सनद इमाम बुखारी ने बयान की है ठीक वो है, मानते हैं, और ये उम्मत ने एक्सेप्ट की है। हम कहते हैं बुखारी मुस्लिम से कोई ऐसी रवायत निकालें ठीक है, जो मुतसिल भी हो और उस पे आइमा मुहद्दिसीन हम शुरू से जरा करते चले आए हों, तो हम देख लेंगे वो किस नौयत की है। पहले कोई इस तरह की बात प्रोड्यूस तो करें ना, हमेशा से ही मतलब चीज़ों के ऊपर नहीं तो ये कारी इख्तलाफ। नहीं, डार साहब और मुफ्ती मोहम्मद फारूक अलवी साहब ये तो पूरे पर इस पे आर्टिकल लिखे हैं इन्होंने, कुछ मेरी बातों के जवाब में और कुछ वैसे इन्होंने लिखे हैं कि ऐसी कहते हैं जी बेश एक रवायत, वो कहते हैं जी दर्जनों रवायतें ऐसी पेश करेंगे हम किए हैं। नहीं अभी तक तो मैं जो देखता हूँ जिस तरीके से एनालिसिस करते हैं ना जो डार साहब है अलवी, जी तो मैं मतलब मैंने नहीं पढ़ा, पर उनकी मैंने तारीफ ही सुनी है अच्छे, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मुझे थोड़ी बहुत उनसे वाकफियत हुई है एक दो भाइयों के थ्रू। तो डार साहब के जो मैं मजामीन पढ़ता हूँ, जो कुछ मैंने दो दो चार मजामीन पढ़े हैं, वो जिस उसूल के ऊपर वो चीज़ों को लिख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं ना, जी वो फिर एनालिसिस फिर सिर्फ बुखारी तक नहीं रुकेंगे, फिर वो उन रवायतों के ऊपर भी रुकेंगे जिन रवायतों को वो हुज्जत बना के पेश कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कुरान पाक की जो आयात को अगर 100% उनसे समझते हैं तो अकल के सराय के अंदर उनको भी वो पेश करें, असूल और मवादी तो एक रखें। इस तरीके से अगर जरा तो फिर क्या नीब डार साहब, मैं अब ये नहीं, नीब डार साहब के लिए मैं छोटे भाई की हैसियत से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या नीब डार साहब ये जुरत करेंगे कि बुसर इबन अबी अरता या अमर इबन आस या मुगीर इब्न शोबा या माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, जिनके करेक्टर तारीख जिसको वो बड़ा मानते हैं तारीख में भी और अहादीस में भी और अहले सुन्नत अहले तशय्यो के यहाँ कॉमनली जिस तवातुर को वो मानते हैं जी, अमली तवातुर को, अमली तवातुर में इनके जो करेक्टर हैं कोई अच्छे रिपोर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो क्या इनकी बुनियाद के ऊपर इन सहाबा की ये आई हुई हदीसों को ये आंखें बंद करके कह देंगे कि हम नहीं मानते चूंकि ये लोग तो करेक्टर के ठीक नहीं थे? ये जरूरत करेंगे? उल्टा ये उन शख्सियात को ये फिर दिफा करना मौलाना शुरू कौन तक कर पहुंच देंगे जाएगा, फिर जवाब देंगे? जी, उल्टा ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ, ये उल्टा उन शख्सियात के दिफा में इस हद तक आगे जाएंगे कि उनके खिलाफ जो रवायतें बुखारी मुस्लिम में वो उनको रिजेक्ट कर देंगे। हम ये कहते हैं कि आप जो पहले फिक्स कर लेते हैं किसी शख्स को कि ये ठीक है, यही तो सूफिया भी कर रहे हैं, हम सूफिया की जब गलतियां निकालते हैं कहते हैं ये तो उन्होंने कहा ही नहीं होगा, ये तो किसी और ने कहा होगा, ये वो कह ही नहीं सकते, यानी उल्टी वकालत करते हैं। अगर हम ये फिर तो कल को लोग कहेंगे जी गुलामत कादियानी साहब ये कह ही नहीं सकते। इवन गांधी साहब ने तो इशारतन यहाँ तक बात तो कर दी है कि जी गुलामत कादियानी साहब से दावा नबूवत साबित ही कोई नहीं है, पता है ना आपको? जी इसके लिए बल्कि पढ़ रहा था इनका अनीब डार साहब का इख्तलाफ हुआ है, और वो तुफैल हाशमी साहब के मुफ्ती साहब हैं इंटरनेट पे, वो भी इनके दोस्त हैं, उनका इख्तलाफ हुआ है गांधी साहब से ना हाँ, इस तो इस मसले तरह पे। फिर करना शुरू कर देंगे तो सारों को क्लीन चिट दें आप, आपके मतलब आप बैठे हुए क्लीन चिट देने के लिए जरूर दें, क्लीन चिट दें लोगों को, फिर तो इस तरीके से तो ना करें ना, फिर आप मतलब आपने उसूल फिर मुबादी एक तरह के खड़े करें ना, ठीक है, जिस तरह मतलब हम लोग करते हैं कि हम मतलब एक चीज के पाबंद है, मुझे कितने जो है अहले तशय्यो रब्ता करते हैं कि आप एक तरफ हजरत माविया के किरदार बुखारी मुस्लिम से ऐसा पेश कर रहे हैं, अल मैंने तो नहीं पेश किया, तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने किया, दूसरी तरफ आप हदीसों को मानते हैं, मैंने कहा अच्छा हदीस मुझे के ये मामले बताएं में आप जो कुछ साबित मुहद्दिसीन करो। ने जो असमाउ रिजाल के इमामों ने जर और तनकीद वगैरह की हुई है या तादील वगैरह की हुई है या जो असूल कायम किए हैं, आपका इनसे इख्तलाफ है या नहीं? आप इनसे मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ, और गांधी साहब खुद फरमाते हैं कि जी जिस तरह का उसूल इन्होंने बनाया है इससे बेस्ट पॉसिबल नहीं था, मैंने तो खुद उनकी वीडियो देखी, गांधी साहब भी एग्री करते हैं, क्योंकि बाकी तो लेकिन कई जहाँ मसाइल पे ऐसे ना जिसमें जो हमारे जो सलफी उलमा हजरात हैं या दीगर अहले सुन्नत हजरात हैं वो तो ये कहते हैं कि जी अगर आप इस किस्म की चीज़ों को मानते हैं तो फिर आप इनके जो दीगर मनज हैं ये अपना सहाबा पे तनकीद वगैरह के बारे में उसको आप इख्तलाफ कर जाते हैं। देखे ना जी, हम उसूल हदीस को परखने के उसूल की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक है, हदीस को परखने की,
बाकी हदीस को मानने की तो बात नहीं कर रहे, मतलब अब हनफी है, हदीस सही मानते हैं रफल इदैन की, करते नहीं है, ठीक है ठीक है, तो वो तो कसूर उनका है ना। इस तरीके से बुखारी और मुस्लिम में अगर सहाबा इकराम के कुछ किरदार के बारे में ऐसी रिवायतें आई हैं, ठीक है, वलीद बिन उकबा भी सहाबी है वैसे तो, उसके किरदार को तो सारे ही जो है वो मतलब बुरा पेश कर रहे होते हैं। वलीद बिन उकबा क्या सहाबी नहीं है? पता मक्का में मुसलमान हुआ उकबा इब्ने अबी मईद, जो जिसने हुजूर के कंधे पे ओजड़ी रखी थी उसका बेटा वलीद बिन उकबा, ये वही है ना जिसके बारे में सही मुस्लिम में आता है, जो मैंने बत्र हदीस में जब इसने शराब पी के नमाज पढ़ाई थी कूफे में, फिर सहाबा इकराम ने आके शिकायत की। जी बिल्कुल से आदमी है वलीद बिन उकबा, आपको नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता, पता मक्का में मुसलमान हुआ मैं, सहाबी है। तो वो मतलब दिफा तो करते हैं उसका भी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, और फिर उल्टा वो मुस्लिम शरीफ की हदीस को भी सही मानते हुए भी कहते हैं जी वो गलत फहमी होगी थी, लोगों ने गलत शिकायत कर दी होगी, तो फतवा तो जाहिर पे लगता है। तो ये इस तरह तो हर बात की तावील है, मतलब सहाबी के डेफिनेशन में आपका इख्तलाफ नहीं है? नहीं 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 जिंदगी में ईमान की हालत में देखा, बाकी जो एक सहाबियत है वो तो एक सौ सारी चीजों का नाम है, लेकिन कानूनन बहरहाल वो सहाबी है, तो हम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं। और बाकी जरूरी नहीं है कि वो काबिले इत्तबा भी हो अगर किसी का किरदार ऐसा बुरा है। मतलब है कि अस्माउर रिजाल वगैरह में आप सलफ के मनहज पर ही हैं? जी वो तो उनके उसूल पे है, वो सलफ के क्या है, वो गोरा भी उसूल बनाता कि जी इस तरीके से चीजों को, आप ट्रैफिक सिग्नल पे मैं गोरों के उसूल पे हूँ कि इसी तरह होना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल को, ये तो चीजों को जज करने का तरीका है ना। लेकिन वंस एक चीज जज हो के सही हमारे पास, अब कोई सलफी या कोई सलफ कहता है कि जी दीज तो ठीक है लेकिन बयान नहीं करनी चाहिए, ये तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे ना। हम तो कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कोई मुस्तकबिल की गैबी खबर दी है और कोई कहता है ये बयान नहीं करनी चाहिए, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक कर रहा है ना कि भाई रसूलुल्लाह ने क्यों कहा है कि इल्मे गुफ्तगू हो गई। आप एक बात ऐड कर दो शाह जी, जी फरमाएं। अगर हो कि कुत्तों वाली हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, बीवी की इज्जत सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की इज्जत रसूलुल्लाह को ज्यादा प्यारी है, ये बात के लोगों को ज्यादा प्यारी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप क्यों उनको फरमा रहे हैं मेरी बीवी पे कुत्ते भौंकेंगे? उनसे ज्यादा तो कोई इज्जत नहीं करता था सैयदा आयशा की, तो ये दरवाजा तो फिर नऊज बिल्लाह आपके करम ने खोला है। अगर हम इनका, मैं तो इमाम मुस्लिम के साथ हूँ कि इमाम उन्नास के लिए मैंने हदीसें लिखी है, इमाम मुस्लिम, ठीक है तो ठीक है जी, मैं इमाम मुस्लिम के मनज के ऊपर हूँ, इमाम मुस्लिम को मैं अपना सलफ मानता हूँ, ठीक है तो मैं फिर ये आपको भेज दूंगा, आप इसको बेशक अपलोड भी कर दीजिएगा सर। क्या चीज है, क्या भेजूंगा? ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हो? ये असल में पता है क्या, बहुत लोग अली भाई सवाल कर रहे हैं ना, ये बुखारी मुस्लिम के आपके जो है ना, जी बोलो दास से दया करो, बाल सुन लो तुम देख लो जिस तरह भी है कोई, मेरा तो ख्याल नहीं मैं कोई ऐसी गलती नहीं, नहीं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग करते तो मुझे पहले बता दिया करें आप रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि मैं फिर अल्फाज के चुनाव में भी थोड़ा ख्याल करूँ, अदरवाइज तो मेरे आजदीन भी बहुत ज्यादा है ना आपके सर। चलो ठीक है, आप इसको सुन के देख लें इसमें जो मुनासिब लगे आप, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।